डियर स्टूडेंट टूडे वी आर गोइंग टू लर्न दी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन वट इज दल्टीपल लीनियर रिग्रेशन दर्ड इज दल्टीपल मल्टीपल से हमें क्या आइडिया हो रहा है कि हमारे पास मोर देन टू वेरिएबल्स हैं कौन से इंडिपेंडेंट के डिपेंडेंट हमारे पास मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिस इज कॉल्ड द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्योंकि हम मल्टीपल में स्टडी कर रहे हैं ना नाहर इज द इंट्रोडक्शन सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट एंड सिंगल फॉर इंडिपेंडेंट अब मल्टीपल मल्टीपल में सिंगल डिपेंडेंट है बट मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इज द स्टेटिस्टिकल अनालिस मेथड यूज द एग्जाम द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं डिपेंडेंट वन ही है सिंपल में भी हमारे पास वन ही होता है बट सिम्पल में वन इंडिपेंडेंट है और मल्टीपल में टू एंड मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम साइमटेनियसली स्टडी कर रहे हैं इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन ये वी नो इट इज द एक्सटेंशन ऑफ दिम्पल लीनियर रिग्रेशन विच एनाइज द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिंगल इनडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया लीनियर में सिंगल इंडिपेंडेंट और मल्टीपल में टू एंड मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम स्टडी करेंगे इन मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रिडिक्टेड बाय अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल में तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल है ना उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं प्रोडिक्शन किसका डिपेंडेंट वेरिएबल ही प्रोडिक्ट होगा ना आपके पास बेसिकली तो डिपेंडेंट वेरिएबल अब प्रोडिक्ट किससे हो रहा है टू और मोर देन टू वेरिएबल्स को स्टडी करके डिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम प्रिडिक्ट करेंगे द गोल ऑफ एनालिसिस इज टू डिटर्मिन द एक्सटेंड टू विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल अब इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने वेरिएशन एक्सप्लेन कर रही हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल हमें प्रिडिक्ट करके बताएगा नोहेर एसी मॉडल अब हम इसको मॉडल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं ये तो अब आपके पास बेसिक सैनारियो था कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या है ना रेसी मॉडल द क्लासिकल जर्नर और मल्टीपल लीनियर मॉडल यूज फॉर द प्रोडिक्शन यूज फॉर द प्रोडिक्शन बेसिकली क्या कर रहे हैं प्रडिक्ट करें ऑफ सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल हमारे पास सिंगल है फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ के माइनस वन एक्सप्लेनेट्री और इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स को रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं और हम उसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी कह रहे हैं सिमिलरली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी कह रहे हैं और हम उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कह रहे हैं अब प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम आपके पास क्या आ रही है हेयर इज़ द के माइनस वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल अब ये के माइनस वन आप इसको चेक करो ये क्या है दिस इज द मॉडल दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई आई प्लस बीटा वन इज द कॉन्स्टेंट प्लस बीटा टू एक्स टू आई वन किधर गया एक्स वन आई बीटा वन के साथ तो आ नहीं सकता दिस इज द कॉन्स्टेंट प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री आई प्लस अप टू सोन बीटा के एक्स के आई प्लस एप्सलॉन और दी आर ई आई दिस इज दी आर टर्म देन आपके पास आर टर्म ऐड हो गया तो ये आपके पास एक मॉडल बन गया स्टेटिस्टिकल मॉडल आ गया अब हेयर इज दी के माइनस वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल अब ये के माइनस वन आपके पास एक्सप्लेनेटरी मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और यहाँ आपके पास k है क्या हो गया अगर मैं यहाँ x1 वन इंट्रोड्यूस करा दूँ बीटा टू एक्स वन कह दूँ बीटा थ्री एक्स टू कह लूँ तो कहाँ तक वेरिएबल्स जाएंगे वेरिएबल जाएंगे k माइनस वन तक ठीक है ना वेरिएबल्स कितने बेसिकली तो वेरिएबल्स k माइनस वन ही है बट ये आपके पास न्योटेशन लिखने में हम उसको एक्स के कह रहे हैं तो टोटल वेरिएबल के माइनस वन है क्योंकि यहाँ पे एक्स वन नहीं आ रहा तो एक्स वन अगर आ जाता है बीटा टू एक्स वन बीटा थ्री एक्स थ्री तो फिर बीटा के एक्स के माइनस वन वेरिएबल्स ही रहेंगे तो बेसिकली ये छोटा सा आइडिया था आपको इंट्रोड्यूस करा दिया कि यहाँ पे आप के माइनस वन है तो इससे कन्फ्यूज ना हो जाओ कि यहाँ के माइनस वन है और यहाँ पे हम के ले रहे हैं नो दिस इज द मॉडल हम क्या कह रहे हैं वाई आई द डिपेंडेंट वेरिएबल दिस इज द रिस्पॉन्स बीटा आई बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री बीटा के

और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास बेसिकली कौन से हैं एक्स टू एक्स सी अपू सोन एक्स के एंड ई आई इज साथ मिलके क्या बन गया हमारे पास एक रिग्रेशन मॉडल बन गया द कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल फॉर अ वन यूनिट इंक्रीज इन द दॉरस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होल्डिंग ऑल अदर वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास ये वैल्यूज ये लाइन्स हैं ये लाइन्स बेसिकली आपको क्या बता रही हैं द कोफिशन रिप्रेजेंट देंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कितना चेंज आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल में फॉर अ वन यूनिट इंक्रीज इन दॉरिस्पोंडिंग इनडिपेंडेंट वेरिएबल वन यूनिट इंक्रीज यानी एक्स टू इसकी वैल्यू अगर वन भी हो तो बीटा वन प्लस बीटा टू बाकी रेस्ट ऑफ दी उसने क्या क्या है होल्डिंग दी अदर आर कॉन्स्टेंट होल्डिंग दी अदर वैल्यूज हम नहीं ले रहे जस्ट हमने वन यूनिट इंक्रीज किया तो वन यूनिट इंक्रीज मीन्स एक्स टू की वैल्यू वन भी आ रही है तो फिर भी रिस्पॉन्स की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी वन यूनिट इंक्रीज से आपके पास प्रडिक्शन क्या आ रही है वाई की डिपेंडेंट वैल्यू डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या एग्जिस्ट कर रही है और मैं आपसे कहती हूँ सपोज हम ये एक्स टू एक्स थ्री एक्स टे सब को कॉन्स्टेंट कर देते हैं तो वाई आई इक्वल्स टू बीटा वन तो है ना अब वाई आई बेसिकली एक आपके पास अनएम्प्लॉयड पर्सन है अनएम्प्लॉयड उसके पास कोई इनकम नहीं है बट उसने खाना तो है ना कुछ ना कुछ तो यूज़ करने ना तो वो जो खाना है उसने उसने कपड़े भी पहनने उसने बाहर भी निकलने उसने वो जो आपके पास एक्सपेंडिचर आ रहा है वो वैल्यू कहाँ से आएगी तो वो उसका हमारे पास क्या है दिस इज द बीटा वन वो आपके पास इंटरसेप्ट आ रहा है तो इसको हम सिंपल कैसे करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ यूज नहीं भी करें तो खर्चा तो फिर भी हो रहा है ना हमारे पास इनकम कोई नहीं आ रही बट खर्चा तो हमारे पास फिर भी हो रहा है तो वो आपके पास क्या है वो ये बीटा वन आपके पास है तो रेस्ट ऑफ दी वेरिएबल्स अगर हम कॉन्स्टेंट कर दें तो फिर भी उसकी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वन यूनिट चेंज अगर हम एक्स के यहाँ पे वन यूनिट चेंज भी कर लें तो फिर मॉडल पे क्या चेंज आएगा वो हमें प्रिडिक्ट करना है यहाँ से अब ये आपके पास जर्नल सनारियो है कि हम इस मॉडल को कैसे लिखेंगे द टर्म लीनियर रेफर टू द फैक्ट मीन इन अ लीनियर फंक्शन ऑफ द अन पैरामीटर्स दीज आर विद एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन ऑन वाई एन हमारे पास सैम्पल है रेंडम सैम्पल हमने एन का लिया है एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन ऑन वाई एंड द एसोसिएटेड वैल्यूज ऑफ द एक्स टू एक्स थ्री ऑन एक्स के द दम्पलीट मॉडल बिकम्स फर्स्ट वाई वन फर्स्ट हमारे पास बीटा वन प्लस एक्स टू बीटा एक्स टू वन बीटा थ्री एक्स थ्री वन प्लस वो हमारे पास प्रीवियस क्या था प्रीवियस अगर देखो तो यहाँ पे आपके पास है वाई आई आई वेरी कर रहा है, आई वन टू अप टू सोन एन तो फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया मॉडल वाई वन या आपके पास आ गया सिमिलरली वाई टू और यहाँ पे अगर हम कह दें जीएथ वैल्यू या आई एथ वैल्यू तो यहाँ एग्जिस्ट करेगी ना वाई जे की वैल्यू सपोज आ जाए टोटल वन है तो वाई जे के अकॉर्डिंग हमारे पास मॉडल आ जाएगा और लास्ट इज दी वाई एन वाई एन सैम्पल साइज लास्ट हमारे पास मॉडल आ गया तो ये आपके पास कंप्लीट मॉडल आ रहे हैं यहाँ पे अब इस सारों को अब हम इन सारे मॉडल्स को किस में लेके जा रहे हैं हम मैट्रिक्स नोटेशन में लेके जा रहे हैं कि मैट्रिक्स में इसको कैसे लिख सकते हैं अब ये आपके पास क्या है जरा आप यहाँ पे चेक करो y1, वन वाई टू अपू सोन yn ये एक पूरा वेक्टर बन रहा है ना बेसिकली अगर ये देखो दिस इज दैक्टर ये आपके पास पूरा एक वैक्टर बन गया y1 ये आपके पास आ गया y1, y2 वाई टू अपू सोन yn कितनी डायमेंशन है इसकी n इन वन है ना n रोज वन कॉलम देन बीटा वन बीटा वन बीटा वन क्या लिखा हमने बीटा वन बीटा वन बीटा वन 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 उसका कॉन्स्टेंट आपके पास क्या आ गया वन 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 नेक्स्ट हमने क्या लिया एक्स टू वन एक्स टू टू एक्स टू एन एक्स टू वन एक्स टू टू एक्स टू एन तो ये हमारे पास x का क्या बन गया पूरा मैट्रिक्स आप नोटेशन देखो ये आपके पास मॉडल है मॉडल क्या है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स लिखा है y इज दी वेक्टर तो वेक्टर का साइन हमने स्मॉल रखते हैं और मैट्रिक्स हमारे पास कैपिटल में होता है ये मैंने आपको बहुत प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि मैं वेक्टर हमने लिया तो y हमारे पास स्मॉल है एक्स क्योंकि एक्स आपके पास मैट्रिक्स है मैट्रिक्स की नोटेशन कैपिटल एक्स है कितनी डायमेंशन है उसकी एन रोज के कॉलम एन इन टू के नेक्स्ट ये जो आपके पास कोफिशेंट है उसका हमने कॉलम बना लिया बीटा वन बीटा टू अब सो ऑन बीटा एन हाउ मैनी डायमेंशन एन इंटू वन एंड लास्ट हमारे पास क्या आ रहा है एरर प्लस हेर इज दाइन ऑफ प्लस प्लस ई वन ई टू अपन ई एन तो एन इन टू हो डायर अब इसको हमने में लिखा है दिस इज अब आगे हम मॉडल कौन सा यूज करेंगे बेसिकली हमारे पास ये मॉडल है ना इसके अकॉर्डिंग हम आगे सोलूशन करेंगे ना इक्वल्स टू एक्स कैपिटल एक्स बीटा प्लस ई अब जब आपके पास कोई मॉडल होता है तो मॉडल की कोई ना कोई अजामशंस भी हैं इज है ई e e क्या है Error.

वी हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा इट मीन्स कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है मीन्स के को आपके पास आ रही है कोरिलेटिड वेरिएबल्स है यहाँ पे को रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी उसकी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो यहाँ पे हमारे पास वी का मैट्रिक्स आएगी क्योंकि ये कैपिटल फॉर्म में लिखा है इज एन एन इन टू एन पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स इफ कोवेरियंस इक्वल्स टू दिस वी कैन कॉल द रिग्रेशन मॉडल द जर्नलाइज मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल अब वो जर्नलाइज मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है जब को वेरियंस की वैल्यू दिस होगी इट मीनस कि यहाँ पे कोरिलेशन वन नहीं आ रही यानी कि कोरिलेटेड वेरिएबल्स नहीं है कोरिलेटेड वेरिएबल्स के अलावा यहाँ पर आपके पास को रिलेटेड वेरिएबल्स हैं यहाँ कोरिलेटेड वेरिएबल्स नहीं है इसलिए आपके पास वी एग्जिस्ट कर रहा है उसकी कोई ना कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास वी ई ये किस में आएगा जब हमारे पास टर्म्स इनडिपेंडेंट नहीं होगी ठीक है टर्म्स डिपेंडेंट होगी इनडिपेंडेंट टर्म्स है तो हमारा कोवेरियंस ये है इंडिपेंडेंट टर्म्स नहीं है देन हम कोवेरियंस यूज करेंगे ये तो इंडिपेंडेंट टर्म्स नहीं है दिस इज कॉल्ड दी दर्नलाइज मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल ये जर्नल मॉडल नहीं है बरा ये जर्नलाइज मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैन बी यूज फॉर प्रोडिक्शन येस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में सिंपल में भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं और प्रिडिक्शन बेसिकली क्या होती है विद इन डेटा प्रिडिक्शन होगी आउटसाइड द डेटा हम प्रिडिक्ट कर रहे विद इन डेटा हमने प्रोडिक्शन करनी है एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ फाइव पोथसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं एस्टिमेशन एंड दी टेस्टिंग ऑफ फाइव पोथसेस कहाँ यूज हो रही है हमारे पास मल्टीपल मल्टीपल रिग्रेशन बेशुमार हमारे पास वैराइटीज़ हैं बेशुमार हमारे पास फील्ड है जहाँ पे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज़ होती हैं कहाँ पे यूज करें रहे हैं में भी यूज़ हो रही है फाइनेंस में मार्केटिंग में सोशल साइंस में हेल्थ साइंस में बहुत ज्यादा यूज होती है मल्टीपल रिग्रेशन अब बेसिकली आपके पास क्या हो गया मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हमारे पास हम चेक कर रहे हैं पर्सन स्टेटस के अंदर क्या हो गया सैलरी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल सैलरी से हम देख रहे हैं उसका स्टेटस ठीक है उसके बाद हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हमने उसकी एज ले ली हमने उसका एक्सपीरियंस देख लिया हमने उसकी क्वालिफिकेशन चेक कर ली अब देखो सैलरी किस पर डिपेंड कर रही है सैलरी बेसिकली डिपेंड कर रही है एज एज कितनी है एज ज़्यादा हो तो आपको पता है एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो जाता है फिर थोड़ी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन हमारे पास फैक्ट है क्वालिफिकेशन को हम क्वान्टिटेटिव भी ले सकते हैं क्वालिफिकेशन को हम क्वालिटेटिव भी चेक कर सकते हैं तो आपके पास सैलरी किसना है सैलरी बेसिकली डिपेंडेंट हो गई और स्टेटस ऑफ द पर्सन किस पर डिपेंड कर रही है हमारे पास डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन सिंपल अब मल्टी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की बेसिकली कुछ एजाम्शंस तो हैं एजाम्पन्स चेक किए बगैर तो हम मल्टीपल को यूज़ नहीं कर सकते अब एजाम्पन में फर्स्ट आपके पास एजाम्पन क्या होगी लीनियर रिग्रेशन इंक्लूड लीनियारिटी लीनियरिटी बहुत ही ज़रूरी है ठीक है आपके पास कव कव में भी आ सकता है डेटा आपके पास समटाइम्स ऐसे भी कवी लीनियर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं उसके लिए फिर हमें कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी तो हमें हमारे पास फर्स्ट क्या हो गया लीनियरिटी लीनियरिटी के लिए रूल ऑफ थामा हमें ये कहता है कि मिनिमम ट्वेंटी का सैम्पल तो ज़रूर होना चाहिए सैम्पल साइज़ सैम्पल साइज़ मिनिमम ट्वेंटी का ज़रूर हो ट्वेंटी से कम हो तो लीनियरिटी वैसी नहीं रहेगी तो मल्टीपल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कोई और आप फैक्टर यूज़ कर लें तो रूल ऑफ थाम हमें क्या बता रहा है लीनियरिटी के लिए कि सैंपल साइज मिनिमम ट्वेंटी जरूर हो नॉर्मेलिटी चेक करनी है नॉर्मैलिटी तो बहुत ज़रूरी है नॉर्मेलिटी चेक आप कर सकते हो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कर लिया कोलमोग्राफ के साथ उसे आप नॉर्मेलिटी चेक कर सकते हैं और डिफरेंट प्लॉटिंग के साथ भी हम नॉर्मैलिटी चेक कर लेते हैं जैसे हमने हिस्टोग्राम बनाया और नॉर्मल कव कर लिया नॉर्मैलिटी चेक कर ली होमोसिडास्टिसिटी एंड एबसेंस ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी होमोसिडास्टिसिटी एर वेरियंस इक्वल होने चाहिए उसके एजाम हमने चेक करनी है मल्टीकोलिनियरिटी क्या कहती है कि वी आई एफ और भी मेथड मल्टीकोलिनियरिटी को चेक करने के लिए ऑटो कोरिलेशन भी हम चेक कर सकते हैं मल्टीकोलिनियरिटी कहती है वी आई एफ वेरियंस इन्फ्लेशन फैक्टर वी आई एफ अगर इक्वल्स टू वन है इट मीन्स के वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है कोरिलेटेड नहीं है वी आई एफ अगर आपके पास फाइव है तो मॉडरेट कोरिलेशन आ गई और वी आई एफ अगर आपके पास टेन है तो हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल्स हैं तो मल्टीकोलेनिटी होती क्या है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके बिटवीन हाई कोरिलेशन है इट मीन्स कि मल्टीकुलनियारिटी हाई है उस कोरिलेशन को बेसिकली हमें पहले रिड्यूस करना है उसमें चेक करना है कि इनमें बहुत हाई कोरिलेशन तो नहीं है तो फिर हमें सबसे पहले मल्टीकुलनियारिटी रिमूव करनी है देन फर्दर हमें उसकी अजाम्पन्स चेक करनी है तो ये बेसिक अजाम्पन्स हैं जो हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन रन करने से पहले ये एजाम्शन चेक करनी दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन